इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपीके में जल्द इलेक्शन कराने को तैयार है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज पोलिंग कराने की तजवीज दी है। इलेक्शन कमीशन एक से ज्यादा पोलिंग डे की तजवीज गवर्नर को इरसाल करेगा। चंद हफ्ते पहले तोशाखाना की घड़ी टॉप एजेंडा, अब हुकूमत फरारी है। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाप्त में वफाकी हुकूमत ने मौकफ अख्तियार किया कि अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासर होंगे। ये अपना कच्चा चट्टा खोलने से डर गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की 22 जनवरी को वतन वापसी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। मरियम नवाज का 22 जनवरी के बजाय 29 जनवरी को वतन वापस आने का इम्कान। शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान के बयानिए को सिंध के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। बातचीत तमाम मसाइल का हल है। अगर हमने धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें ले लेते। मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश की तो मजाहमत करेंगे, हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं आरोज और डी आरोज पीपल्स पार्टी के छतरी तले फॉरम ना देने का काम कर रहे थे। मर्जी के नतीजे के लिए इकदाम पहले से किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के बलदियाती इलेक्शंस का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। असद उमर कहते हैं ताकत के इस्तेमाल से मैंडेट चुराने की कोशिश की गई। एहतजाज करने वालों पर पुलिस और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने तशद्दुद किया। कराची से हमारे एमपीएस को भी गिरफ्तार किया गया। और केपीके निगरान वज़ीर-ए-आला कौन होगा, डेडलॉक बरकरार। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए नाम पेश ना हो सके। पहले मरहले में इत्तफाक़ राय के इम्कान महदूम। अपोजिशन लीडर के एएनपी की जानिब से भी नाम दे दिए गए। दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ अपोजिशन की मुशावरत जारी।